अभी मैं ये खुशखबरी अपने बच्चों को सुनाती हूँ, वो तो ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा 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 जी, खुदा हाफिज। अरे मुबारक हो तुम दोनों को, तारीख तय कर दी उन्होंने, अगले इतवार को रुखसती रखी है। मुबारक हो खबर भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। देखे अम्मा कैसे फिर मेरी धमकी काम करके गई है। कैसी धमकी? वही जो मैंने कहा था कि होगा तो अभी होगा वरना फिर कभी नहीं होगा। अरे वाह माशाल्लाह, तुमने तो कमाल कर दिया, जीते रहो बेटा, आइंदा भी इसी तरह बातें मनवानी है तुमने। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही मनवाऊंगा। खावर भाई मुझे नहीं भूल जाना, अपने ससुराल वालों को कह देना मेरे हाथ में ना सोने के कंगन डालें, मैं वापस जाके ना ससुराल में खूब शो मारूंगी कि मेरे भाई की शादी बड़े लोगों में हुई है। देख ले अम्मा, इसकी फरमाइशें शुरू हो गई। हाँ तो क्यों नहीं करेगी फरमाइशें, एक तो बहन है तुम्हारी। अरे खावर, कोई अच्छा सा मैरिज हॉल पता है जो सस्ता हो ज्यादा महंगा ना हो? तुम्हें तो मालूम ही होगा। हाँ हाँ मेरा एक दोस्त है, उसके जानने वाले का ना अपना हॉल है, फिक्र ना करें हो जाएगा। वैसे हम कितने लोग बुला रहे हैं वलीमे पर? यही कोई 100-150, इससे ज्यादा लोगों को क्यों बुलाएं, ज्यादा मेहमान तो बारात में आएंगे, वलीमे में मुफ्ते का खाना क्यों खिलाएं सबको? अम्मी मेरे ससुराल वालों को सारे फंक्शन में बुलाना, उन्होंने मुझे जीने नहीं देना। अम्मी अम्मा, एक तो इसके और इसके ससुराल वालों के ना नखरे खत्म ही नहीं होते। अम्मी देखिए भाई को मैं अभी से बुरी लगने लग गई हूँ। अरे मजाक कर रहा है भाई, तुम तो हर वक्त आग पर बैठी रहती हो। ये बच्ची हंस लो, यही देने हंसने के तुम्हारे। हंस रहा हूँ लेकिन मजाक नहीं कर रहा था, नखरे खत्म वाकई नहीं होते तुम्हारे ससुराल। अच्छा बस भी करो ना, बहन को रुलाओगे क्या? मेरी बच्ची।